हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होने वाला है, जैसे गाइस आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि बड़े किराना दुकानदार इतना सस्ता सामान उनको कैसे मिलता है, कहाँ से मंगाते हैं, कैसे मंगाते हैं, और हम छोटे किराना दुकानदार वही सामान उस रेट में नहीं पाते हैं, उतना सस्ता नहीं मिलता है। तो गाइस आप थंबनेल में ये भी देखे होंगे कि आप छोटे किराना दुकानदार भी हर मौसम का हर सामान का भाव जानेंगे, आप छोटे किराना दुकानदार भी हर मौसम पर हर सामान का भाव जान सकते हैं, कौन सामान कितने भाव चल रहा है और कितना सस्ता मिलता है बड़े किराना दुकानदार को। अब वही छोटे किराना दुकानदार बड़े किराना दुकानदार के जैसा सस्ते दामों में सामान ले सकते हैं और हर मौसम में सामान रेट पता चलेगा कि कौन से महीने में कौन सा सामान सस्ता है। गाइस मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हर मौसम में सामान का भाव किस तरह मालूम पड़ता है और कितना सस्ता मिलता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये नोटबुक है जो कि मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं और गाइस मैं आपको 110% बताऊँगा कि कौन से मौसम में कौन सा सामान सस्ता मिलता है, जो कि गाइस अभी आपको वीडियो में खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो आपको खुद डाउट हो जाएगा कि कौन से मौसम में कौन सा सामान लेना चाहिए और कौन से मौसम में कौन सा सामान सबसे सस्ता मिलता है, जो बड़े किराना दुकानदार भी ऐसे करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप जानते होंगे कि अरहर की दाल और मटर की दाल काफ़ी रेट हाई हो चुका है, कितना महंगा मिल रहा है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कौन से महीने में मटर की दाल अरहर की दाल लें जो काफ़ी सस्ता मिलता है और कौन से मौसम में अरहर की दाल या मटर की दाल सस्ता होता है जो आपको ले लेना चाहिए। तो गाइस मैंने नंबर वन पे रखा है मटर दाल। अब मटर की दाल कौन से महीने में सस्ता होता है? तो गाइस अगर आप मटर की दाल अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कि हर मौसम पर हर सामान का रेट सस्ता होता है, सस्ता बोले तो काफ़ी सस्ता होता है। जैसे कि एग्ज़ाम तौर पर ले लीजिए, जैसे कि अभी गेहूँ कट रहा है तो गेहूँ के मौसम में बहुत सारे गेहूँ से रिलेटेड जो सामान है सस्ता हो चुका है, जैसे मैदा सूजी ये सब काफ़ी सस्ता हो चुका है। तो इसी तरह अगर आप अप्रैल के महीने में मटर दाल लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता है मटर दाल। अगर आप 3-4-6 बोरी या 2-3 बोरी लेना चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप अप्रैल के महीने में मटर दाल ले लीजिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में मटर होती है। अब गैस नंबर दो पे मैंने रखा हुआ है अरहर की दाल। अब गैस अरहर की दाल कौन से महीने में होता है और कौन से महीने में सस्ता होता है? तो गैस अरहर की दाल जैसे कि अभी इस टाइम पर काफ़ी रेट हाई हो चुका है अरहर की दाल। तो गैस इसी महीने में अरहर होती है। अब तो जो अरहर की दाल इस समय काफ़ी हाई हो चुका है, ये रीज़न है क्योंकि अरहर की दाल बहुत कम सब बोते हैं और अरहर की दाल इसी मई के महीने में सस्ती होती है, जो कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि अरहर की दाल काफ़ी महंगा है, डाउन नहीं हुआ है अरहर की दाल। नंबर तीन में मैंने रखा हुआ है जीरा, सौंफ, मंगरेल। अब गाइस आप जीरा बेचे होंगे क्योंकि जीरा कुछ दिन पहले काफ़ी रेट हाई हो चुका था, काफ़ी महंगा हो चुका था। तो गाइस आपको जीरा, सौंफ, मंगरेल कौन से महीने में लेना चाहिए जो कि आपको काफ़ी सस्ता मिलता है? जीरा, सौंफ, मंगरेल, धनिया। तो फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ कौन सा महीना है जो आपको सौंफ, मंगरेल, जीरा, धनिया लेना चाहिए, जो कि काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी सस्ता मिलता है आपको। तो गाइस वो अप्रैल का महीना होता है जो आपको जीरा, सौंफ, मंगरेल, धनिया सस्ता मिलता है। आप गाइस पता कर लीजिएगा, धनिया, सौंफ, मंगरेल, जीरा काफ़ी सस्ता हो चुका है इस महीने में और इसी महीने में इसका रेट डाउन होता है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं तो आगे चल के आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि सौंफ, मंगरेल कभी ख़राब नहीं होता है। तो गाइस नंबर चार पे मैंने रखा हुआ तेल। अब गाइस आपको तेल कौन से महीने में लेना चाहिए, जो कि गाइस इस टाइम पर अभी तेल का रेट काफ़ी डाउन हो चुका है और काफ़ी सस्ता हो चुका है तेल। तेल इतना सस्ता क्यों होता है, कौन से महीने में होता है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मार्च महीने में सरसों होती है, जो कि इसका मार्च से अप्रैल महीने तक आपको तेल ले लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तेल बहुत सस्ता होता है। आप तेल इस टाइम पे ले लेंगे, आप उसी तेल से आगे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब गाइस नंबर पाँच पे मैंने रखा हुआ डायपर। अब गाइस डायपर आपको कौन से महीने में लेना चाहिए, जो आपको स्कीम भी मिले और परसेंट आपको छूट मिले? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यही महीने में, मई से लेके लास्ट मई तक आपको डायपर ले लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने में स्कीम चलता है और अभी भी स्कीम चल रहा है और इसमें आपको 15% छूट भी मिलता है। तो मई में आप ले लीजिए, मई से लेके लास्ट मई तक आप ये डायपर उतवा लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। अब गाइस बात करते हैं बल्ब कि अब बल्ब कौन से महीने में लेना चाहिए। तो बल्ब तो हमेशा जलने वाली चीज़ है और कौन से महीने में ज़्यादा सेल होती है, गाइस मैं आपको बता दूँ कि बरसात आने के पहले, यानी कि मई से लेकर जून तक आपको बल्ब ले लेना चाहिए, क्योंकि बल्ब 10 रुपये बिक्री 100 वाट वाला और LED बल्ब हो गया, ये मई से लेकर जून तक बल्ब ले लीजिए, क्योंकि आगे बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। अब गाइस नंबर सात में मैंने रखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक। अब गाइस आपको कोल्ड ड्रिंक कौन से महीने में लेना चाहिए जो आपको पूरा स्कीम मिले? तो गाइस आपको पूरा स्कीम कम मिलता है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक एजेंसी से लेंगे तो आपको पूरा स्कीम देंगे और उसके साथ में जो स्कीम आता है, बैनर वगैरह, स्टैंड वगैरह आपको सब देते हैं। तो गाइस जितने भी किराना दुकानदार भाई जिनको नहीं पता था कि स्कीम मिलता है और कौन से महीने मिलता है, तो जान लें कि फरवरी लास्ट महीने में स्कीम मिलता है। अगर आप एजेंसी वाले से लेते हैं आपको पूरा स्कीम देते हैं और आने वाले समय में, यानी गर्मी के मौसम में, आप इसी कोल्ड ड्रिंक से अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।